अस्सलाम वालेकुम, आदाब। ये है वाव वर्चुअल पाकिस्तान 2021। आप आ गए हैं वाव चेक इन पे और मैं हूँ सानिया सईद। डिड यू सी द वधाई टोली? सो मेनी टाइम्स वी फॉरगेट दैट थिंग्स आर ओनली एज इम्पोर्टेंट एज वी मेक देम आउट टू बी। हाउ वी सेलिब्रेट बर्थ and how we think of it in terms of importance and hierarchy can set the tone for a life. We must celebrate our culture, definitely, but it's about time we enrich it with inclusion, acceptance, tolerance, and importance of women and girls. Talking of women's achievements, please do check out Wow Marketplace to see some amazing women-led and women-run enterprises. There are also a lot of organizations which offer services geared towards women. This includes food, products, and services. We have several workshops for you, first of which is the binaural beats and a guided meditation with Himalayan singing bowls. Sounds interesting. And the children's workshop is Loud and Proud, Speaking with Confidence. And both of these are at 11. The third workshop, scheduled for 12 noon, is Self, Identity and Leadership. The slots are limited, so please sign up for these awesome free online workshops as soon as possible. For those of you who have struggled to keep kids entertained and engaged in knowledge-seeking activities, do download the Chotu app. It has super fun science craft by Science Fuse and a game to get them thinking about how life is different for kids who don't have access to technology. Now that should be novel, right? Our kids don't even recognize that there are children who don't have access to technology. All details can be found at wowvirtual.pk. You can also find information for Ek Khat Tumhare Naam, an app showcasing handwritten beautiful letters from all across Pakistan, dramatically read. So the languages of our homeland comfort and remind us that even far apart, we are still close to those we love. It showcases the trials of the past year and the way human spirit endeavors to find joy even in the dark. Violence against women is an unfortunate and hideous reality. The Legal Aid Society has created short videos to give information to people on what to do in case of assault or sexual violence. ज़िना बिल जबर यानी रेप एक संगीन जुर्म है जो मुतासरा शख्स के लिए न सिर्फ जिस्मानी बल्कि जहनी तौर पर भी बेहद अज़ियतनाक होता है। अगर आपके साथ ये जुर्म सरजंद हो तो इंसाफ के हुसूल के लिए आपको हिम्मत और हौसले से मेडिको लीगल ऑफिसर यानी MLO, पुलिस, वकला और दीगर अदालती अमले का सामना करना होगा। इंसाफ की फराहमी में MLO का किरदार बहुत अहम होता है। MLO आपका न सिर्फ जिस्मानी मुआयना करती है बल्कि जुर्म के खिलाफ सबूत महफूज करने में और अदालत में उन सबूतों को पेश करने में भी आपका साथ देती हैं। ज़िना बिल जबर या रेप होने की सूरत में आप बगैर गुस्ल किए मुतालिका थाने जाकर FIR दर्ज करवाएं और MLO से मुआयने के लिए रसीद हासिल कीजिए। मुआयने के लिए आप अपने हमरा एक खातून पुलिस अफसर को भी अपनी मदद के लिए तलब कर सकती हैं। मुतबादल के तौर पर आप खुद किसी भी करीबी सरकारी अस्पताल जाकर MLO से अपना मुआयना करवा सकती हैं ताकि तमाम जिस्मानी शवाहिद को महफूज किया जा सके। मुआयने के दौरान MLO आपसे वाकये के मुतालिक सवालात करेंगी।
और आपके जख्मों का जायजा लेंगी। इंसाफ के हुसूल के लिए जरूरी है कि आप MLO को मुकम्मल मुआयना करने और जरूरी नमूने जमा करने की इजाज़त दें। MLO आपके साथ होने वाले जुर्म की तफसीलात रिपोर्ट में दर्ज करेंगी और आपको ये हक हासिल होगा कि आप उस रिपोर्ट की कॉपी तलब कर सकें। चंद बातें आपकी मालूमात के लिए बेहद जरूरी हैं। आपको ये हक हासिल है कि मुआयने के वक्त अपने साथ किसी काबिले भरोसा शख्स को ले जाएं। जिस्मानी मुआयने से पहले नहाने से गुरेज करें ताकि शवाहिद महफूज रहें। किसी भी किस्म के जिस्मानी शवाहिद जैसे कि मनी, थूक या खून को गीले कॉटन स्वैब्स के जरिए महफूज करना चाहिए और बालों, रेशों या मट्टी के लिए ट्वीजर का इस्तेमाल करना चाहिए। एक इजाफी लिबास साथ ले जाएं ताकि जुर्म के वक्त ज़ेब-ए-तन लिबास सबूत के तौर पर महफूज किया जा सके। इस बात का खास ख्याल रखें कि लिबास प्लास्टिक के थैले के बजाय कागज के थैले में रख दिया जाए। याद रखें, इस जिस्मानी मुआयने की कोई फीस नहीं होती। आप कसूरवार नहीं हैं और आपकी हिम्मत और हौसले से इंसाफ का हुसूल मुमकिन बनाया जा सकता है। किसी भी जुर्म के बाद इंसाफ के हुसूल के लिए FIR दर्ज करवाना सबसे पहला मरहला होता है। पुलिस अफसरान FIR के बिना पे ही तफ्तीश शुरू करते हैं। अगर आपके साथ जिना बिल जबर यानी रेप, घरेलू तशद्दुद, हिरासानी या कोई और जुर्म सरजन हो तो आप पुलिस में अपनी शिकायत FIR की सूरत में जरूर दर्ज कराएं। कानून के तहत पुलिस की ये जिम्मेदारी है कि वो आपकी शिकायत दर्ज करें। अगर आपके साथ जिना बिल जबर यानी रेप सरजंद हुआ है तो FIR के इंदराज के लिए आप पुलिस अफसर को अपने घर या किसी और मुतबादल जगह पर भी बुला सकती हैं। FIR की कॉपी हासिल करना आपका कानूनी हक है। अगर पुलिस थाने जाने में आपको झिझक हो या आप थाने में मर्द अफसरान से बात नहीं करना चाहती तो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है कि आप इमदाद के लिए विमेन पुलिस स्टेशन और विमेन प्रोटेक्शन सेल भी जा सकती हैं। अगर आप किसी करीबी थाने जाएं, तो आप किसी खातून पुलिस अफसर को भी बुला सकती हैं और थाने की ये कानूनी जिम्मेदारी होगी कि वो इस सिलसिले में आपकी बात की तकमील करें। ये जरूरी नहीं कि आप किसी मर्द के हमरा पुलिस थाने जाएं। आप अपनी मर्जी के तहत किसी भी शख्स को अपने हमरा पुलिस थाने ला सकती हैं। अगर पुलिस अफसर FIR दर्ज करने से इनकार करें तो आपके लिए ये जानना जरूरी है कि मुद्दई एक तहरीरी दरखास्त SHO और SSP कंप्लेंट सेल में जमा करवा सकते हैं या IG पुलिस की हेल्पलाइन 9110 पे कॉल करके भी शिकायत कर सकते हैं। मुद्दई क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898 की दफा 200 के तहत अपनी शिकायत मुतालिका जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास भी जमा करवा सकते हैं। मुद्दई क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की दफा नंबर 22A के तहत अपने मुतालिका डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज के पास दरखास्त बराए इंदराजे FIR जमा करा सकते हैं। मुद्दई अपनी शिकायत के हवाले से CPLC की हेल्पलाइन 02135683333 पर भी राब्ता कर सकते हैं। सिंध भर में औरतों पे तशद्दुद के वाकयात की शिकायत विमेन कंप्लेंट सेल की हेल्पलाइन 1094 पे भी की जा सकती हैं। मजीद कानूनी रहनुमाई के लिए आप सिंध लीगल एडवाइजरी कॉल सेंटर की हेल्पलाइन 0800708006 पर राब्ता कर सकती हैं। याद रखिए, इंसाफ आपका हक है और पुलिस अफसरान की जिम्मेदारी है कि इंसाफ के हुसूल में आपके साथ भरपूर तआवुन करें। खामोश रहकर हरगिज़ जुल्म ना सहें। Some legal victories warm the heart. We are now sharing with you a short documentary film based on the successful acquittal of an elderly lady in a drug-related case after spending 8 years in prison. This was possible with some help from the Legal Aid Society. अल्लाह का नमाज पढ़ता था, अपना वजीफा करता था, अपना जिक्र करता था, अल्लाह को याद करता, अल्लाह हमारा मुश्किल आसान करो, सब बंदों का मुश्किल आसान करो, जितना बंद दिए कह दिए सब का मुश्किल आसान करो, हमको भी इधर से निकालो, उनको भी उधर से निकालो। किसी पठान का घर में काम करता था 3 साल से, तो उसने हमको वॉशिंग मशीन दिया, बोलते अम्मा ले जाओ कराची, हमको इतना दिमाग में नहीं आया भाई कराची में वॉशिंग मशीन नहीं मिलता है जो इधर से बेचते, बिल्कुल जैसा कोप में जैसा नया होता है बंद था, तो हमको उधर से खुद गाड़ी में बिठाया, खुद रक्षा किया, हमको भेजा इधर,
हम आ गए इधर अब चौकी पे, तलाशी हो गया, तलाशी जो गया चर से भरा हुआ था। तो फिर उनको बुलाया, दो साल हमारा केस चला, उससे बाद हमको सजा लगा 25 साल का। जज ने सजा लगाया, बोलता यार 10 लाख दे। 2018 जब ये केस मेरे पास आया तो पहली चीज़ हमें इसको लगवाना था सुप्रीम कोर्ट में, और प्रोसेस ये होता है कि सुप्रीम कोर्ट में लगवाने के लिए पूरा रिकॉर्ड ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है, उसके बगैर केस लगता नहीं है। तो हमने पूरी अपनी एफर्ट लगाई थी पहले इस केस को लगवाने में, ठीक है। केस जब लग गया तो फिर मुझे एहसास हुआ कि मैडम सकीना जो है जो जेल में, उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। और 2020 में जब ये केस चलना शुरू हुआ तो मुझे पता था मैडम सकीना की दुआएं हमारे साथ थी, अल्लाह हमारे साथ था, और उसके बाद तो हम बिल्कुल नहीं रुके, हम आगे चलते रहे, आगे चलते रहे। हमारे सामने काफ़ी मुश्किलात भी पेश हुए, इनकी मेडिकल रिपोर्ट, हालांकि इनकी मेडिकल कंडीशन ठीक नहीं थी, इनकी रिपोर्ट ने उसको सही तरीके से रिकॉर्ड पर रिफ्लेक्ट नहीं किया। केस फिर आखिरकार आके मेरिट पे चला, और जब ये मेरिट पे चला तो हमने कोर्ट को दिखाया कि प्रोसिक्यूशन की जो एविडेंस थी वो बिल्कुल ही वीक थी, और उन्होंने शुरू से किसी चीज़ को प्रॉपर तरीके से साबित नहीं किया। बस ये लास्ट चीज़ ये है कि मुझे बड़ी खुशी हुई है कि मैं मैडम सकीना के साथ आज मैं बैठा हूँ, उनसे गपशप कर रहा हूँ। जिंदगी के 8 साल उसने जेल में गुजार दिए, अपने बच्चों से दूर गुजार दिए, वहाँ उसने बहुत सी तकलीफ देखी, वहाँ बीमारी देखी, उसका कोई आने वाला नहीं था। तो हमने बहुत कोशिश की उसके मेडिकल के हवाले से और हवाले से उसकी सपोर्ट की, और आखिर हम उसमें कामयाब हो गए। तो हमारे लीगल एड का जो मिशन मकसद ये है कि जो बेगुनाह लोग बंद हैं तो उनको हम इंसाफ दिलाएं। तो ऐसे हमारे बहुत से केसेस हम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, लोगों को इंसाफ दिलाते रहेंगे और दिला भी रहे हैं अभी भी। तो हम चाहते हैं कि जो सकीना की तरह और औरतें हैं जिनके ज़िंदगी के अहम जो दिन हैं, 8 साल इसने गुजार दिए बेगुनाह एक केस में, तो बाकी जो औरतें हैं हम कोशिश करेंगे कि उनके इससे ज़्यादा जो टाइम है वो जेल में ना गुजरे, उनको जेल से रिहाई दिलाएं, उनको इंसाफ दिलाएं। कमेटी फॉर वेलफेयर ऑफ प्रिजनर्स का क़याम 2004 में हुआ था, और उसका मकसद सकीना जैसी औरतों के इंसाफ के उसूल के लिए ही किया गया है। हुकूमत सिंध के तआवुन से कायम करदा ये कमेटी ना सिर्फ उन कैदी औरतों को बल्कि सिंध की तमाम जेलों के कैदियों को इंसाफ की फरहमी में कोशा है। शुक्रिया हम लोगों को अल्लाह खुश रखे। अल्लाह जैसे आप बस आंसू होना अब ख़त्म हो गए, ठीक है, बस खुश रहें। Celebrate Women of the World. We are WOW Virtual Pakistan 2021. If you are watching us on YouTube, you will find us at WOW Pakistan Virtual. If you're following us on Instagram, we are WOW.Pakistan. Our Facebook event page is WOW Virtual PK 2021, and our festival app is WOWVirtual.PK. And our email address is info@wowvirtual.pk. Please also take part in our interactive digital mural, We Are WOW. Send us your WOW star on the palm of your hand, an affirmation of every woman's right to write her own story. We often ignore the silent battles women face and the toll they take on our mental health. Things like postpartum depression and menopause, to the micro abrasions we feel on a day-to-day basis living in a patriarchal society. This Urdu WOW with a star on top is a sign of solidarity for all those who need our support. May we be the change our people need. And to end today's show, we have for you a dance performance, Vasl. Restless souls put into isolation now have no means of distraction.
they must come face to face with their caged, suppressed selves, otherwise drawn to the superficial. By being forced to recognize their plight, they begin their journey towards healing and freedom.